हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सारे? आई होप आप सारे सेफ होंगे। तो जो आज का मेरा एक्सपीरियंस है वो है एक फेस क्रीम, या आप फेस क्रीम, बॉडी क्रीम, या आप लोशन बोल सकते हो। जिस ब्रांड का ये लोशन है वो इतनी ट्रस्टेड है कि हम लोग आँख बंद करके उस पर भरोसा कर लेते हैं। एंड ये सबसे ज़्यादा सजेस्ट करने वाला है बाय द स्किन, जो डॉक्टर्स होते हैं उनके द्वारा ये ब्रांड सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन पे होता है। ये लोशन है, लोशन इसलिए है क्योंकि आप इसको फेस और बॉडी दोनों पे यूज़ कर सकते हो। आपको अलग से फेस के लिए, अलग से बॉडी के लिए कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक क्रीम, आप ये एक लोशन आपके लिए पूरी बॉडी के लिए सफिशेंट होगा। इसका फॉर्मूला इस तरह से है कि बिल्कुल भी नॉन स्टिकी है, बिल्कुल भी चिपचिप या ग्रीसीनेस बिल्कुल भी नहीं लगती है। आप इसे प्री मेकअप की तरह यूज़ कर सकते हो अपनी स्किन पे, क्योंकि बहुत ही इजीली से, बहुत ही जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, अंदर से स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज रखता है एंड बिल्कुल भी ऑयली दिखाता नहीं है, ना ही फील होने देता है स्किन पे। इसे एक बार अप्लाई करने के बाद में आपको 24 आवर का मॉइस्चराइज़र मिल जाता है, अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। आपको दोबारा डे टाइम में तो बिल्कुल भी दोबारा से इसको रीअप्लाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप इसे दोबारा यूज़ करना चाहें तो आप इसे नाइट टाइम में यूज़ कर सकते हो, अपना फेस वॉश करने के बाद अपने नाइट टाइम स्किन केयर में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। बट पूरे पूरे दिन आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको एक बार अप्लाई करने के बाद में। फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी इसमें नहीं है, इसमें कोई भी किसी भी तरह की फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी नहीं आती है, ना ही केमिकल, ना ही फ्रूटी, ना ही किसी और तरह की। तो जिन्हें भी किसी फ्रेग्रेंस से एलर्जी होती है, जिन्हें फ्रेग्रेंस सूट नहीं करती है स्किन केयर में, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये सेटाफिल का लोशन। हाइपो एलर्जिक है, मतलब आपको किसी भी तरह से, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपकी स्किन पे कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा, किसी तरह का इरिटेशन या कुछ भी आपको फील नहीं होगा, ना ही आपकी स्किन पे कोई भी हार्मफुल रिएक्शन कुछ भी देखने को मिलेगा। ये लोशन 100% सेंसिटिव स्किन के लिए भी सेफ है। टेक्सचर की बात करें तो ये टेक्सचर इसका बहुत क्रीमी फॉर्म पे नहीं है, ना ही बहुत लोशन पे है। जो लोशन जो थोड़े से लिक्विडी, थोड़े से पतले से होते हैं, वैसा भी नहीं है, एक इन बिटवीन सा टेक्सचर है इसका, जो काफ़ी सही है फेस के लिए भी और बॉडी के लिए भी। स्प्रेड भी बहुत अच्छे से होता है और एब्जॉर्ब भी काफ़ी अच्छे से होता है। इसे अप्लाई करने के बाद में बिल्कुल भी फेस या बॉडी कहीं पे भी आपको बिल्कुल भी हैवीनेस फील नहीं होगा। फेस पे तो खास तौर पे बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगा। बॉडी पे भी आप यूज़ करते हो तो बॉडी अच्छे से हाइड्रेट रहेगी। ये लोशन 100% ऑल स्किन टाइप को सूटेबल है। ऑयली स्किन की बात करें तो ऑयली स्किन, अभी समर्स हैं, आप इसे डे टाइम में तो नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग हो जाएगा, मॉइस्चराइज बहुत ज़्यादा कर देगा। तो आप डे टाइम में अवॉइड करके आप इसे नाइट टाइम में ज़रूर से इंक्लूड करें। ऑयली स्किन के लिए इसलिए काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि ये नॉन कॉमेडोजेनिक है, इसलिए जो पोर्स होते हैं स्किन पे उनको क्लॉग नहीं करेगा, उनको बंद नहीं करेगा। जब आपके पोर्स क्लॉग नहीं होंगे तो पिंपल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, इसलिए ऑयली स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। इसलिए ऑल स्किन टाइप को काफ़ी अच्छा रहेगा। ये ट्यूब 30 ग्राम की है। प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 210 रुपीज़, 210 रुपये। एंड इसका बड़ा साइज़ आता है 80 ग्राम का, जो कि आता है 442 रुपीज़ का। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई करना चाहते हो तो हमेशा मेरा सजेशन होता है कि आप स्मॉलर साइज़ यूज़ करें। इसका स्मॉलर साइज़ ये 30 ml वाला है, आप पहले ये ट्राई करके देखो, आपकी स्किन पर 100% आपको सूट करेगा। आप बाद में जाके आप अपना बड़ा ट्यूब ले सकते हो। जिन्होंने ट्राई किया हुआ है वो जानते होंगे कितनी अच्छी है, एंड जिन्होंने नहीं ट्राई किया आप आँख बंद करके इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। एंड अगर आपका जो भी एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको ये वीडियो, मेरा ये एक्सपीरियंस आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपकी कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है आपको इस प्रोडक्ट को लेकर या फिर स्किन केयर से, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, उनका आंसर करने में बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए। Bye.